There are two types of muscles, muscle fibers in the vertebrates the white muscle fibers and the red muscle fibers. And let us see the difference between the two. White muscle fibers are also called thick muscle fibers, or fast muscle fibers, or twitch muscle fibers. Whereas the red muscle fibers are known as the thin muscle fibers, or the slow muscle fibers. और द टॉनिक मसल फाइबर्स और क्या डिफरेंस है इनमें वाइट मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे कम या ज्यादा ये एनोरबिक हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें बहुत कम होते हैं क्वांटिटी में वेर एज इन रेड मसल फाइबर्स दे हैव अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कम्पेयर टू वाइट मसल फाइबर्स दे हैव वेरी लेस माइटोकॉन्ड्रिया अपार्ट फ्रॉम दैट मायोग्लोबिन वो क्या है दोनों में फ़र्क ये माओग्लोबिन क्या है ये है तो हीमोगलोबिन ही लेकिन ये हीमोगलोबिन क्योंकि मसल्स में मिल रहा है तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है मायोग्लोबिन द पिगमेंट द रेड पिगमेंट विच र इज ऑक्सीजन वाइट मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन भी लेस होता है एज कंपेयर टू रेड मसल फाइबर्स अमाउंट दैट मीन्स ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी लेस कैरेट इन द ब्लड यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन मोर होगी क्योंकि क्यों मोर है भाई क्योंकि माओग्लोबिन भी काफ़ी ज़्यादा है इन क्वान्टिटी मोर दैन द वाइट मसल फाइबर्स सो इट विल कैरी लॉट ऑफ ऑक्सीजन तो देर विल भी मोर ऑक्सीजन एंड दस क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है माइग्लोबिन ज़्यादा है इसलिए ये एरोबिक रेस्परेशन करके दिखाएंगी रेड मसल फाइबर्स दे शो एरो रेस्परेशन बिकॉज लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो इसलिए एनोरोबिक फाइबर्स होंगे ये और, और क्या डिफरेंस है कि ए भी यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ़ ए टी पी विल बी मोर क्योंकि एरोबिक रेस्परेशन है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ़ ग्लूकोज या पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ए टी पी विल बी लेस इन अमाउंट इन नंबर और क्या डिफरेंस है इसका एस आर वेल डेवलप्ड है एस आर क्या होता था वाइट मसल फाइबर्स का एस आर बहुत वेल well डेवलप्ड है एस आर क्या है हाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ये लेकिन बदला हुआ नाम ऐसे रेड मसल फाइबर्स का क्या है भाई एस आर इज़ पुअरली डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूब्स ट्यूब्स होती हैं सॉर्ट ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत कम होती है रेड मसल फाइबर्स में और यहाँ पे ग्लाइकोजन अमाउंट कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ये दिखाती हैं स्लो सस्टेंड कंट्रैक्शंस रेड मसल फाइबर्स तभी इनको स्लो कहते हैं देखो तो स्लो कंट्रैक्शंस होती हैं इनकी धीरे धीरे होती हैं लेकिन सस्टेंड होती हैं लंबा चलती है बहुत लंबे तक चलती रहती है चलती रहती हैं थकती नहीं है नो no फैटीग क्योंकि वो चलती रहती है लंबे तक चल सकती हैं हैव द एबिलिटी वाई क्योंकि एरोबिक है सब कुछ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज़ देयर और फैटीग नहीं होती इसमें लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर फैटीग होगी टायर्डनेस होगी क्योंकि लैक्टिक एसिड भी बनेगा है ना क्योंकि एनारोबिक है रेस्पिरेशन यहाँ पे तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा टायर्डनेस होगी और इनके कैसे होंगे भाई इनकी होंगी फास्ट कंट्रैक्शंस फास्ट का मतलब है एकदम ट्विचिंग होगी मसल ट्विच करेगी एकदम तो फास्ट होगी और लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग मोमेंटस होगी सस्टेंड नहीं होंगी बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होगी ओनली कंट्रैक्शन हो पाएगी क्योंकि थकान आ जाएगी एकदम से फटीक आ जाएगी थोड़ी सी कंट्रैक्शन हो पाएगी सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द वाइट फाइबर्स ये हैं कहाँ मिलते हैं ये ये मिलेंगे स्पैरोस में चिड़िया छोटे बर्ड्स जो ज़्यादा देर तक ग्लाइड नहीं कर पाते ग्लाइड, ग्लाइड वाले ग्लाइडिंग वाले बर्ड्स नहीं कहलाते ये, इनकी शॉर्ट फ्लाइट्स होती हैं क्विक शॉर्ट मूवमेंट्स होती हैं फ्लाइट्स यानी कि वाइट मसल फाइबर्स के कारण स्पैरोज़ वग़ैरह मूव कर पाते हैं उड़ पाते हैं और हमारी आई बॉल की मसल्स जो हमारी आई बॉल है ये जो इधर उधर आप मूव करोगे आप करके देखो इधर उधर मूव थोड़ी देर में थकान ना होने लग जाए आपको तो तो थकान हो जाती है ये है वाइट मसल फाइबर्स रेड मसल फाइबर्स इसके एग्जांपल्स ये हैं ग्लाइडिंग बर्ड्स फ्लाइट मसल्स ऑफ ग्लाइडिंग बर्ड्स कौन से हैं ग्लाइडिंग बर्ड्स काइट्स है ना चील चील काइट्स तो इस तरह के जो बर्ड्स हैं जो लंबी उड़ान भरते हैं अपने पंख फैला कर रखते हैं ऊंचे-ऊंचे उड़ते हैं और काफ़ी देर तक पंख फैलाए रखते हैं देखो बहुत स्लो चलते हैं लेकिन वो हैं हाँ, स्लो होते हैं उनकी मूवमेंट लेकिन ग्लाइडिंग बर्ड्स दे अंडरगो मसल फाइबर्स द रेड मसल फाइबर कंट्रैक्शन्स इसी तरह हमारी कौन सी है भाई एग्ज़ाम्पल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक आवर बैक ये भी सदा तनी रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं और रेड मसल फाइबर्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट करती हैं